ढाई साल की बच्ची है मेरी घर पे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आई है। किसके पास छोड़ कर आई है बच्चे को? मेरी मम्मा के पास छोड़ के आई हूँ बेबी को। बात बात होती होगी आपकी? होती है ना, परेशान होती बेबी मेरे लिए भी। वो आपको याद भी करती होगी? जितने छोटे बच्चे को छोड़ना कितनी मुसीबत आई होगी तब हम छोटे बच्चे को छोड़ के आए, वरना कौन अपने बच्चे को छोड़ता है घर पे अकेला। मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, मतलब कंडीशन ये हो गई सुसाइड कर लेंगे अब। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पर आ चुके हैं शिक्षा मंत्री से मिलने। कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हम, कुछ भी नहीं, बस हमें हमारे ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, बस हम ज्वाइनिंग लेटर के लिए जा रहे हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं करना है, हमें किसी से कुछ उत्पाद नहीं करना है, हमें हमारे ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, हम हमारे घर वापस चले जाएंगे बस। वो आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन से समझ में आ रहा है कि आप विरोध नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते, बस हमें हमारे ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए और कुछ नहीं। हमें हमें से आपने प्रोसेस करवाई तो फिर हमें मतलब नियुक्ति पत्र के दिन को रोक दिया गया, बाकी 5500 लोगों को नियुक्ति दे दी गई और जबकि हम 882 लोगों को रोक दिया गया, तो सबको एक साथ देना चाहिए। इतना टाइम से मेहनत करी हम, 3 साल से इस एग्जाम के पीछे लगे हुए, जब आपको ज्वाइनिंग नहीं देना था तो हमें यहाँ तक चॉइस फिलिंग तक क्यों लेके आए, स्कूल चॉइस फिलिंग तक, और जब हमें तय हो चुका है कि हमारी जॉब तय है तो फिर हमें जॉब क्यों नहीं मिली? हमारे ज्वाइनिंग लेटर हमें चाहिए। शारीरिक तरह से बुरी तरह से पीड़ित हो गए हम, कि मतलब 4 महीने से प्रोसेस चल रही, सारे रिश्तेदार सबको बता दिया कि हमारी जॉब लग गई और सभी को नियुक्ति पत्र मिला, सभी वर्गों के, बोले OBC होल्ड क्यों रख दिया गया? हमारे घर से सपोर्ट भी है, समाज में भी बातें हो रही है, हमें हमारे पे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि हमने झूठी अफवाह उड़ाई, लेकिन हमारी सच्चाई है, हमारे पास सारे सबूत है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर रोके गए हैं। हमारे साथ जिनके नाम आए थे उन लोगों ने 10 तारीख से ज्वाइनिंग भी ले ली है, फिर हमारे ना हमें कोई लिखित प्रमाण दिया गया है, ना ही कोई लिखित नोटिस दिया गया है कि इस वजह से आपकी ज्वाइनिंग रोकी गई है। सरकार इतना अन्याय क्यों कर रही है युवाओं? शायद हम OBC है इसलिए, और उनको है ना OBC को स्टेट में रखना ही नहीं है शायद, अगर ऐसा हो तो हमें बोल दीजिए, उनको एक ही वर्ग को रखना है तो भी बोल दो हमें। अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यहाँ विवाहित महिलाएं, तो उनको तो बहुत परेशानी होती होगी। ज्यादा हमारा छोटा बच्चा है, हमारी 2.5 साल की बच्ची है जिसे हम छोड़ कर आए हैं घर पर। मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। बच्ची को कैसे रह रहा होगा वो आपके बिना? हमको जॉइंट लेटर चाहिए, ठीक है ना? 2.5 साल की बच्ची है मेरी घर पे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आई है। किसके पास छोड़ कर आई है बच्ची को? मेरी मम्मा के पास छोड़ के आई हूँ बेबी को। बात बात होती होगी आपकी? होती है ना, परेशान होती बेबी मेरे लिए भी। वो आपको याद भी करती होगी? जितने छोटे बच्चे को छोड़ना कितनी मुसीबत आई होगी तब हम छोटे बच्चे को छोड़ के आए, वरना कौन अपने बच्चे को छोड़ता है घर पे अकेला। क्या लगता है सरकार का दिल पिघलेगा? आंसू से नहीं पिघलेगा, हम मेरिट होल्डर है, हमको ऐसे भीख मांगने नहीं आ गए, हम सब मेरिट होल्डर है। 110 100 नंबर 75 नंबर वाले नहीं, हमके पास 75 नंबर अगर भीख मांगने चले गए, हम सब टैलेंटेड है। हक लेने आए, हम मेरिट होल्डर है, हम ऐसे ही नहीं आए कि हमको कुछ भी नहीं आता है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, मतलब कंडीशन ये हो गई सुसाइड कर लेंगे अब। क्या कर, अब इतना परेशान हो गए तो। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? देना ही पड़ेगा उनको, उनकी सरकार चाहिए तो न्याय तो देना ही पड़ेगा, वरना भूल जाए कि नेक्स्ट ईयर ये सरकार आए। जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत ही भावुक हो रही हैं, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को वो छोड़ कर आई हैं सिर्फ अपना हक लेने।